प्यारे दोस्तों, माँ हरीश्वरी का प्रणाम। छोटी सी अछंदस कविता रत्नकणिका जैसी, शीर्षक है सत्य। केवल मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा ही पवित्र और सुंदर नहीं, केवल मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा ही सुंदर और पवित्र नहीं, परंतु दर्शन करने वाला भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वह विशुद्ध सौंदर्य आएगा कहाँ से? उसमें पावनता प्रकट कैसे होगी? मैं इन सारे प्रश्नों का समाधान लेकर आई हूँ। मनुष्य को अपनी पावनता का साक्षात्कार कराने आई हूँ। ये होगा ध्यान योग से। ये झरना बहेगा मनुष्य के भीतर से, और तब बहेगा जब उसे कोई सद्गुरु जीवन जीने का सही ढंग बताएगा। जब ऐसा होगा तब मनुष्य का भीतरी सौंदर्य निखर उठेगा, जिसके सामने दुनियादारी का तमाम दमाम फीका पड़ जाएगा। धन्यवाद।